सो हाई गाइस, दिस इज मुबीन पाक विद अनदर सेशन. ये भी सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप की क्वेश्चन है, विच वॉज फॉर 5 मार्क्स, दैट इज वेयर हाउसिंग फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. हमने ऑलरेडी कहा है वेयर हाउसिंग मतलब जहाँ हम फूड यानी कि प्रोडक्ट्स सब स्टोर करते हैं, इज़न्ट इट. मगर यहाँ क्वेश्चन ये है कि वेयर हाउसिंग कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री कर सकता है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब पैसे में कैसे बढ़ाव होकर हमारी इंडिया को डेवलपिंग से डेवलप ला सकता है, ये है क्वेश्चन. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज इट हेल्प्स इन द लिंक. दो टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा गया था. मैंने आई रिमेंबर दैट वॉज द थिंग, यू नो. One thing is that how does warehousing helps in the economic development of a country, and the second question is that how does warehousing helps as a link in the chain of marketing. तो both the question answer same है, हम already यानी कि discuss कर देंगे. Link in the chain of marketing. सोचिए एक season, summer season में हमें light quota material चाहिए और विंटर सीजन में हमें अम्ब्रेला चाहिए. समर सीजन में कॉटन मटेरियल चाहिए, विंटर सीजन में अम्ब्रेला चाहिए. अम्ब्रेला का शॉर्टेज हो जाता है कब? रेनी सीजन में. तब अब अगर हम वेयर हाउसिंग में स्टोर करते हैं तो अम्ब्रेला का यूज़ कर सकते हैं. दो तरह की एग्जांपल होती है. वन, फूड रिलेटेड हो सकती है और फूड के बिना रिलेशन के. यहाँ मैंने फूड के बिना हुआ. आप ये भी कह सकते हैं विंटर सीजन में हम क्या चाहिए, हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की शॉर्टेज हो सकती है, इज़न्ट इट. तब आप सेव करेंगे तो राइट टेम्परेचर, राइट स्टोरेज, राइट ग्रेड ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ मटेरियल में स्टोरेज करते हैं तो वेयर हाउसिंग हेल्प्स इन द मार्केटिंग, इज़न्ट इट. अगर एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोडक्शन नहीं है, अगर हम सेव करते हैं, इट हेल्प्स इन द लिंक ऑफ चेन ऑफ मार्केटिंग, इज़न्ट इट. एक आदमी से दूसरे आदमी. टाइम एंड प्लेस वैल्यू ऑफ गुड. वन थिंग इज दैट इट हेल्प्स टू सेव टाइम, इज़न्ट इट. यानी कि हम बहुत देर वेट करने की चीज़ नहीं. एंड प्लेस वैल्यू ऑफ गुड, पर्टिकुलर प्लेस को क्या चीज़ चाहिए वो उसमें वेयर हाउसिंग हेल्प कर सकते हैं. दूसरी, फ्लक्चुएशन इन द डिमांड एंड सप्लाई. एक पर्टिकुलर एरिया में एक प्रोडक्ट चाहिए तो वहाँ डिमांड है, तो वेयर हाउसिंग क्या करते हैं, सप्लाइंग करती है. तो इट हेल्प्स इन द स्मूथ फंक्शन. यहाँ मैंने सॉरी ऐड करना भूल गई. स्मूथ फंक्शनिंग और द फ्लक्चुएशन इन डिमांड एंड सप्लाई कैन बी ईजीली हेल्प आउट. अगर एक पर्टिकुलर एरिया में डिमांड है तो उसको सप्लाई करने में भी कौन हेल्प करता है? वेयर हाउसिंग हेल्प करता है. और नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी एंड वर्सटाइलिटी इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड. फ्लेक्सिबिलिटी मतलब हम एक चीज़ को दूसरे एरिया तक ईजीली पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वेयर हाउसिंग में पर्टिकुलर टेम्परेचर, स्टोरेज ऑफ क्वालिटी ऑफ गुड्स तो हाई है, इज़न्ट इट. और वर्सटाइलिटी इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. वर्सटाइलिटी मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट हम कर या किसी भी टेम्परेचर या किसी भी, अगर हमें विंटर सीजन में एक ऐसी फ्रूट चाहिए जो विंटर सीजन में नहीं मिलता, अगर वेयर हाउसिंग है तो हमें ईजीली मिल सकता है, तो इट्स अ गुड थिंग. फ्लेक्सिबिलिटी और वर्सटाइलिटी मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट को एक ही एक साथ हम यूज कर सकते हैं, यानी कि हमें एक्सपीरियंस कर सकते हैं. इंट्रा एंड इंटर ट्रेड एक्टिविटीज, दैट इज फाइन. एक राज्य के अंदर भी और एक राज्य से दूसरे राज्य तक इफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस विद इन द कंट्री, हमारे राज्य के अंदर, तो उसे हम इंटर कहते हैं. इंट्रा मतलब अगर हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री पर ट्रांसपोर्टेशन करते हैं उसे इंट्रा ट्रेडिंग एक्टिविटीज कहते हैं. तो हम एक और बार ध्यान देते हैं, वेयर हाउसिंग एज एन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टाइम एंड प्लेस, फ्लक्चुएशन इन द डिमांड एंड सप्लाई, फ्लेक्सिबिलिटी एंड वर्सटाइलिटी, डिफरेंट प्रोडक्ट डिफरेंट टाइम सेम टाइम में यूज़ कर सकते हैं. इंटर एंड द इंट्रा ट्रेड एक्टिविटीज. तो ये सब लिखने के बाद आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कंपेयरिंग टू द अर्ली 1900s और अभी 2000s देखते हैं तो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट 100 गुना बढ़ा गया है, क्योंकि वेयर हाउसिंग भी उसमें एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है. आप ये पॉइंट भी लिख सकते हैं. थैंक यू. प्लीज़ टू सब्सक्राइब इफ़ यू फाइंड वर्थ इट.